केंद्रीय जेल सतना में 2 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास के 8 बंदी जेल मुख्यालय के आदेश और राज्य शासन से घोषित परिहार का लाभ प्राप्त कर सजा भुगत कर रिहा हुए। रिहा होने वाले प्रत्येक बंदी को श्रीफल, आध्यात्म से जुड़े यथार्थ गीता, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति से जुड़ाव हेतु फलदार पौधे, एक पेड़ माँ के नाम के तहत और लंच पैकेट, बंदी पारिश्रमिक पासबुक एवं बंदी का रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों को अपराध से दूर रहने और अपने शेष जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कामना करते हुए उनको उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। आए थे और क्या स्थिति थी आपकी? केस हमारा है 10 का और केस की बात फिर हमारे 12 बड़ी सजा मिले, दंड जुर्माना का 3,90,000 का। तो जब 3,90,000 नब भर गया तो 10 साल सूखी सजा काटेगा पड़ेगी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या नाम है आपका? अभी कितनी सजा काटे हो आप? मुखिया और गांव हमारा छुलापुर। अभी कितनी सजा काटे हो आप? अभी हमने काट ली अपनी 14 साल 25 दिन। किस मामले में आए थे आप? 302 में कितने? 3 कतल। क्या हुआ था, ऐसा क्या मामला हुआ था जिसमें? उनने हमारे चाचा की आँखें निकाला था तो उससे फिर विवाद बढ़ गया तो हमने मार दिया, उन्हें भी मारा। कहाँ का पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे आपके जो? हाँ वो है अनजात, वो है राजपूत, हमें नहीं आता। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? नहीं, हमारे चाचा को जब खाने पीने के साथ में उन्हें मार दिया फिर हमने मार दिया। क्या जमीनी विवाद था या कोई और विवाद था ऐसा कुछ? जमीने मेहर से मेहर जमीन थी, वहाँ पे विवाद हो गया। राम भेश सनक गोपाल यादव, जिला छतरपुर। पिताजी का नाम? गोपाल यादव। कितने बंदियों की रिहाई हुई है और किस उपलक्ष्य में रिहाई की गई है यहाँ पर? आज चूँकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राज्य शासन के द्वारा अच्छे आचरण वाले जो कि आजीवन कारावास से की वजह से दंडित बंदी थे, केंद्रीय जेल सतना से 8 बंदियों को आज रिहा किया जा रहा है, जिसमें से 1 सतना जिले का है और 3 पन्ना के हैं और 4 छतरपुर जिले के हैं। और इन 8 में से 2 बंदी जो कि खुली जेल में निवास कर रहे थे उनकी रिहाई आज यहाँ से हो रही है। मैडम, जो बंदी हैं इनमें से एक व्यक्ति का पारिश्रमिक वो जो जुर्माना लगाया गया था अर्थदंड, कितना आज जमा कराया गया है और क्या उनकी सजा थी? बंदी मुखिया था जिसकी 3,90,000 के समथिंग जुर्माना था और जुर्माना ना देने के एवज में 10 साल की सजा थी। उस बंदी के द्वारा आज जुर्माना जमा किया गया है और तत्पश्चात उसको आज केंद्रीय जेल सतना से रिहा किया गया। अगर जुर्माना नहीं मिलता तो इसकी क्या स्थिति होती? जुर्माना नहीं जमा होता तो उसको 10 साल तक रहना पड़ता और जब जुर्माना जमा करता तब उसमें से माइनस करके जो सजा शेष रहती उसको माफ किया जाता, रिहा किया जाता। आचरण क्या रहे हैं इनके जेल में? आचरण बहुत अच्छा था। जो एक पेड़ माँ के नाम पे जो अभियान चल रहा है, इन बंदियों को एक एक पौधा दिया गया है और ये समझाए के लिए कि अपने घर पर जाके उस पौधे को रोपे और इसकी देखभाल करके। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।